बेगम साहबा को नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते। उस रात का उस रात को क्या? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कुछ भी याद नहीं आ रहा बेटा। फिल्म चाचा उस रात को क्या? सुलेमान चाचा देखिए कोई जल्दी नहीं है, सोच कर बताइए क्या हुआ था उस रात। एक छोटा सा सुराख भी बड़े से बड़े गुनाह के राज से पर्दा उठा सकता है। हो सकता है कि आपके किसी बात से मुझे कुछ पता चल जाए। आहिल बेटा अपने सुलेमान चाचा की उम्र तो देखो। कितने बुढ़े हो गए हैं बेचारे, अब इतनी पुरानी बात इन्हें कहाँ याद होगी, है ना सुलेमान चाचा? तो मैंने खामखा परेशान मत करो, ठीक है? आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। पर अब तो हमें भी पता चल गया है कि आप यहीं रहते हैं, तो हम और ज्यादा आपकी सेहत का ख्याल रखेंगे। क्या सुलेमान चाचा? आहिर बेटा हम बहुत थक गए हैं, ऐसा करते हैं हम लोग घर चलते हैं, ठीक है? अब चलो। सुलेमान चाचा अपना ख्याल रखिए, आइए अम्मी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुलेमान चाचा कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए? कौन? रेहान वहां कोई था? रेहान मेरे साथ चलो। कहां? अरे चलो। क्या कर क्या रहे हो? अरे बाबा प्लीज बी पेशेंट। लेकिन आज तो मेरा बर्थडे नहीं है। मैं जानता हूं लेकिन आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। मैं दुबई जा रहा हूं और मेरे साथ जितनी यादें हो सके लेके जाना चाहता हूं। हमारी यादें, हमारी मोहब्बत की यादें। और आज मेरा तुम्हारे साथ आखिरी रात है, तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। और कल मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? अरे किसने कहा तुम्हें मेरे बिना रहना पड़ेगा? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं? सुनहरी आई एम सॉरी, मैंने दुबई के बारे में तुम्हें पहले नहीं बताया, लेकिन मैं खुद श्योर नहीं था वेदर मैं जाने वाला था या नहीं। लेकिन अब जब ये बात कंफर्म हो गई है तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं जल्द से जल्द वहां सेटल हो जाऊंगा और तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और तब तक तुम मेरा इंतजार करना, लेकिन इस तरह नहीं। मैं सारी जिंदगी आपका इंतजार कर सकती हूँ रेहान। मैडम फिल्मी इतनी भी देर नहीं लगेगी मुझे, ऐसा समझो कि यूं गया और यूं आया। गिफ्ट? ये मेरे लिए है? के
चाहती हूँ। हाँ? ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, ये मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब है।
मुझे एक पप्पी भी चाहिए। पप्पी? जितने चाहिए मैं दूंगा, अभी दूंगा। शराब, कुत्ते की बात कर रही हूँ मैं। वेरी फनी। नो प्रॉब्लम। ब्राउन कलर का लेके? व्हाइट कलर। व्हाइट कलर का लेके आएंगे। और उसका नाम टॉमी, टफी। रियली? इतना पुराना कुत्तों वाला नाम? जी नहीं, हम उसका नाम रखेंगे चिमन राव। चिमन राव? मेरी होने वाली बेगम, मैं आपकी वैसे तो हर बात मानता ही हूं, ये बात भी मान लेता हूं। चिमन राव और आपका मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा और मैं वादा करता हूं कि आपको कभी तंग नहीं करूंगा। गुड फॉर यू। कुछ मीठा लेके आते। रेहान, मुझे लगता है कि आप दोनों को साथ में जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी गुजारें। ये तो पागल मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। इसे कहूंगी तो नहीं सुनेगी, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ इसे अपने साथ ले जाइए। क्योंकि देखिए, बेगम साहिबा का कोई भरोसा नहीं है। बेगम साहिबा के बारे में तो हम सब जानते हैं, उससे बदला लेने के लिए शहर के साथ भी कुछ। परेशान मत, शहर को कुछ नहीं होगा। और रही बात इसे ले जाने की, बहुत ही जल्द इसे ले जाऊंगा। और जब तक मैं वहां सेटल हो जाऊंगा, आई एम श्योर राहिल भाई को भी यहाँ की सारी सच्चाइयां पता चल जाएगी। शहर से पहले तुम मेरी दोस्त हो। और मैं इतना भी खुद गर्ज नहीं हूं कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को परेशानी के वक्त पे उससे उसकी बहन से अलग कर दूं। यह आपका रोने का प्रॉब्लम खानदानी है। मैं अपनी अमानत तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं, ख्याल रखना इसका। रेहान, ये तावीज पहन लीजिए, ये आपकी हिफाजत करेगा, आपको कामयाबी देगा और आपको हर खतरे से बचाएगा। इसे कभी भी अपने से अलग मत होने दीजिएगा, हमेशा साथ रखिएगा। और प्लीज मेरी बहन को लेने जल्दी आइएगा। अब तो आप और भी अपने से लगने लगे हैं रेहान। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक चाय बना कर लाती हूँ। कहीं हया मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही?
फिक्र मत करो, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया। मौत को इतने करीब से देखने के बाद तुम्हें मौत से डर लग रहा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी, बड़े इत्मीनान से तड़पा तड़पा कर मारूंगी। और जो मौत से डरे उसे तो तड़पाने में और ज्यादा मजा आता है। अब देखना कैसे मैं धीरे धीरे तुम्हें अपना मोहताज बनाऊंगी। सुलेमान, तुम हमारा गुस्सा बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जल्द से जल्द ये शहर छोड़कर चले जाओ और दोबारा कभी भी अपनी शक्ल में मत दिखाओ, समझे? मैं ठीक थी, सुलेमान चाचा को कुछ ना कुछ जरूर पता है, मुझे उन्हें रोकना होगा। इतनी जल्दी मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। हटो यहाँ से। उफ, तुम्हारे तेवर, तुम्हारे हाव भाव से लग रहा है कि तुम आहिल जी का कोई काम करने जा रही, और जो चीज आहिल जी से जुड़ी है वो मुझसे भी जुड़ी है, क्योंकि मैं उनकी बीवी हूं ना। किसी के साथ एक बिस्तर पे एक रात गुजार लेने से बीवी का हक नहीं मिल जाता। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं आहिल के साथ बहुत बार रात गुजार चुका हूं। एक वक्त था जब इसने आहिल को जुल्म सहने की हिम्मत दी थी, और अब यही आपको जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की भी हिम्मत देगा। मैं जानती हूं बाबा, बचपन में आप ही ने आहिल की देखभाल की। जब उनके अब्बू ने मारा करते थे तो आप ही थे जो उनके जख्मों पे मरहम लगाया करते थे। आपका आहिल फिर से कमजोर पड़ रहा है, टूट रहा है। उनकी आंखों पे बेगम साहिबा के एहसानों की ऐसी पट्टी है कि वो हकीकत नहीं देख पा रहे। आप यही सोच रहे ना कि मैं खुद सच जानने के बावजूद खामोश क्यों? कौन सा सच, कैसी बात, मुझे कुछ नहीं पता। अल्लाह के लिए यहां से चली जाओ। ठीक है, अगर बेगम साहिबा का इतना ही खौफ है आपको तो मैं आपको रोकूंगी नहीं और चली जाऊंगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि बेगम साहिबा आहिल को बर्बाद कर रही। मैं सच कह रही हूं सुलेमान चाचा, बेगम साहिबा ने उनके दिल में मेरे लिए नफरत भर दी। मैं उनकी बीवी हूं लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते और ना ही मानते। वो वही करते हैं जो उनकी अम्मी कहती है, और जिस अम्मी की वो इबादत करते हैं ना बाबा, उनसे सब कुछ छीन ले, की विरासत, उनकी मोहब्बत और उनकी जिंदगी। और अब आप सोचिए बाबा, जिस आहिल को बचपन में आपने इतनी मोहब्बत की और अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा किया, क्या आप ये देख पाएंगे कि वो इसी रैन बसेरे में आपके साथ रह रहा है? बाबा आप ये देख पाएंगे कि नवाब आहिल रजा इब्राहिम खाने के एक निवाले के लिए तरस रहा है? आप ये देख पाएंगे बाबा कि आपका आहिल कब्र में सो रहा है? अब उसे बर्बाद कर देंगे, उसे खत्म कर देंगे। क्या आप आहिल की बर्बादी या फिर उनकी मौत की वजह बन सकते हैं? क्या आप अब भी चुप रहेंगे और आहिल के साथ ये होता हुआ देख पाएंगे? आप बोलिए ना बाबा, आप देख सकते हैं आहिल के साथ ये सब? नहीं,
नहीं नहीं नहीं, आहिल बाबा को कुछ भी नहीं होगा, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। आहिल बाबा को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। हाँ, इस रात जो मैंने देखा था सब सच बता दूंगा, बता दूंगा।